मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर की थाना कोतवाली तालवहट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां आज मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे पूरे परिवार को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें सोना चांदी और नकदी समेत करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट की गई है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जनपद ललितपुर की थाना कोतवाली तालवहट अंतर्गत जखौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास का मामला है, जहां रात्रि के समय घर में कुछ अज्ञात असलाहधारी 4 लोग घुस गए थे, जिन्होंने घर में सो रहे लोगों को बंधक बनाकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि तमंचों से लैस 4 लुटेरों ने घर के बच्चों को गन पॉइंट पर रखकर लूट की है। यह भी बताया जा रहा है कि घर की 3 महिलाओं और बच्चों समेत लुटेरों ने 7 लोगों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। सनसनीखेज लूट की इस वारदात में लुटेरों ने सोना चांदी और नकदी समेत करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट की है। लूट की इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए तालबहट से एजाज पठान की रिपोर्ट। कहा आपको? राम लावन यादव। क्या घटना हुई? शुरुआत में सर जी हम सो रहे थे अपने कमरे में, बच्चे सो रहे थे, हमारे उसी हमारी आँख खुली तो हमारे सीने पर 2 तमंचा रखे, 4 लोग थे, हमारे बच्चे थे, हम थोड़े उठने जाए तो उन्होंने बोला शांत रहना वरना मार दूंगा तुझको तेरे बच्चों को, तो बच्चों के भी हाथ बांध दिए हमारे, फिर हमें हाथ बांध कर तमंचे की नोक पर हमारे महाने मनोज हैं, हमारी दीदी का बगल से मकान है उनको भी बांध दिया, फिर दीदी को बांधा, जीजाजी को, सबको बांध कर पूरा जीवन विवर जो कुछ था, पैसा पैसे थे 25-30 हज़ार नगदी और जीवन था 8-10 लाख रुपए के। कितने बजे की घटना है रात की? सर 2 बजे से 3 बजे तक रही, 2 बजे पौने 2 बजे अंदर आ गए थे, मतलब 1-1.5 घंटे घर में रहे, 1.5 घंटे सवा घंटे आराम से रहे, एक कमरे में हमें बंद कर दिया था हम लोग। टोटल कितने लोग थे? टोटल 4 थे वो अंदर। तमंचे किस किस के पास थे? तमंचे 2 के पास थे, 1 के पास और रोड कुछ थी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।